पुनः से महादशा की सीरीज में चंद्रमा की महादशा के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि चंद्रमा की महादशा में अन्य ग्रहों का जब अंतर आता है तो हर एक ग्रह के अंतर में व्यक्ति को उस समय अवधि में किस प्रकार की परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसमें अन्य ग्रहों का प्रभाव हमें अनेक रूप से प्रभावित करता है, तो इसलिए हमें चंद्र की महादशा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं चंद्र की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर आता है तो व्यक्ति को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। चंद्र की महादशा में चंद्रमा का जो अंतर होता है वह 10 माह का होता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कारक ग्रह है, वह अपनी ही राशि में, अपनी उच्च राशि में या मित्र राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ऐसे में इस समय अवधि के दौरान व्यक्ति को सफेद वस्तुओं से लाभ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति चंद्रमा की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर होता है तो व्यक्ति यश कीर्ति को प्राप्त करता है। जातक के घर कन्या का जन्म हो सकता है या माता के प्रति शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातकों की गायन, वादन और अन्य कलाओं में रुचि बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं चंद्रमा नीच राशि में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, यानी कि आपके लिए अशुभ बने हुए हैं, छठे आठवें बारहवें में विराजमान है, तो ऐसे में इस समय अवधि में व्यक्ति की माता को कष्ट होता है। जातक भ्रमित नजर आता है, उसमें आलस बढ़ जाता है और व्यक्ति को एक भय परेशान करता है। छींक संबंधी बीमारियां भी इस समय अवधि में व्यक्ति को घेरे रहती है। जातक में निराशा बहुत जल्दी आ जाती है एवं व्यक्ति चिंताग्रस्त रहता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र की महादशा चल रही है और उसमें मंगल का अंतर आ जाता है, यानी कि मंगल की अंतर्दशा चल जाती है, मंगल की अंतर्दशा 7 माह की होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च राशि पर है, अपनी स्वराशि पर है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे में व्यक्ति इस समय अवधि में उत्साही होता है। जातक अपने हर एक कार्य में प्रगति पाता है, ऐसा जातक क्रूर कार्यों से ख्याति प्राप्त करता है। वहीं मंगल शत्रु राशि में या नीच राशि में विराजमान है या आपके लिए अशुभ बने हुए हैं, तो जातक को धन जमीन संबंधित नुकसान झेलने पड़ते हैं और इन क्षेत्रों में व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक में क्रोध अधिक बढ़ जाता है, जातक चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसा जातक इस समय अवधि में रोगग्रस्त हो जाता है। इस समय अवधि में व्यक्ति के अंदर क्रोध के कारण परिवार के साथ आपसी मतभेद देखे जाते हैं। वहीं चंद्रमा की महादशा में जब राहु का अंतर आ जाता है, यह अंतर 1 वर्ष 6 माह का होता है। चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर शुभ फलदायी नहीं माना गया है। हालांकि अगर राहु कारक ग्रह से युक्त होता है तो व्यक्ति को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। इस दशा में व्यक्ति को पश्चिम दिशा में यात्रा करने में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जातक को अचानक से धन लाभ हो सकता है। वहीं राहु की अंतर्दशा में व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो जाती है। जातक को अपने कार्य और व्यवसाय में रुकावटों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति की अनेक प्रकार से हानि देखी जाती है। जातक दुखी और रोगों से ग्रस्त हो जाता है। वहीं जब चंद्रमा की महादशा में देवगुरु बृहस्पति का अंतर आता है तो यह अंतर 1 साल 4 माह का होता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा जातक इस समय अवधि के दौरान अपने ज्ञान और बुद्धि में बहुत निपुण हो जाता है, बहुत चतुर हो जाता है और अपनी बुद्धि और विवेक की वजह से प्रशंसा की प्राप्ति करता है। हालांकि व्यक्ति के अंदर असंतुष्टि भी देखी जाती है। जातक की आध्यात्म के प्रति इस समय अवधि में रुचि देखने को मिलती है, चाहे तीर्थ यात्रा हो, दान हो, ऐसे कार्यों में व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। व्यक्ति के धन में वृद्धि देखने को मिलती है, कार्य क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जातक को शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अशुभ बने हुए हैं तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा आपको तनावग्रस्त कर सकती है, यह आपके चिंता को बढ़ा सकते हैं, आपको धन हानि हो सकती है, घर में कलह की स्थिति बन सकती है, आप इस समय अवधि में अनेक प्रकार से परेशान रह सकते हैं। अगर चंद्रमा की महादशा में
शनि का अंतर आता है तो यह अंतर 1 वर्ष 7 माह का होता है। अगर शनि की आपकी कुंडली में शुभ अवस्था है और चंद्रमा की भी शुभ अवस्था है तो जातक को इस समय अवधि में गुप्त धन की प्राप्ति होती है। जातक को अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में लाभ की प्राप्ति होती है। नौकरी में व्यक्ति पदोन्नति को प्राप्त करता है। ऐसे जातकों को निम्न वर्ग के लोगों से, विशेषकर स्त्री से, इस समय अवधि में व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं शनि आपकी कुंडली में नीच अवस्था में है, शत्रु राशि में है, राहु और केतु से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जातक को हर कार्य में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा व्यक्ति की इस समय अवधि में नीच लोगों से कुसंगति हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। जातक अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो सकता है और भी अनेक क्षेत्रों में व्यक्ति परेशान दिखता है। तो यह चंद्र की महादशा में 5 ग्रहों का अंतर था। आगे वीडियो में हम बाकी बचे हुए 4 ग्रहों के अंतर के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप अगली वीडियो में भी बने रहें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।